तो प्यारे बच्चों, कल हमने विंडो 10 के बारे में कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इसके देखे थे। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के का वर्किंग और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखते हैं विंडो 10 को जब हम सेटअप कर देंगे किसी सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद जो डेस्कटॉप हमें मिलेगा, ये जो हम यहाँ पे पूरा एरिया देख रहे हैं, इसके ऊपर एक हम यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हैं, तो इसको हम नॉर्मली डेस्कटॉप कहते हैं। इसके ऊपर हमें यहाँ से नेविगेट करने के लिए कोई भी आइकॉन नहीं मिलेगा। इस पे आइकॉन लाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कल हम लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा भी था कि किस तरह से हम इसके सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो यहाँ से पर्सनलाइज करके हम इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे और यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप को सेटअप कर सकते हैं। थीम्स में जाएंगे और थीम्स में जाने के बाद हम यहाँ पे आइकॉन्स के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से हम जो मेन आइकॉन हमें अपने डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए उनको टिक कर देंगे। कंप्यूटर है, यूजर्स फाइल्स है, नेटवर्क है, रिसाइकल बिन पहले से वहाँ पे है और कंट्रोल पैनल ये हमें मेनली वहाँ पे चाहिए। अगर हम आइकॉन्स के फिगर को चेंज करना चाहते हैं, आइकॉन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये बता दें कि आइकॉन किसको कहते हैं। ये एक्चुअली एक तरीके से कुछ स्मॉल फिगर हैं जो कि हमें पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ के नेविगेशन के लिए यूज़ में लाते हैं। ये लॉजिकल एक्चुअली फिगर है। जैसे कंट्रोल पैनल को अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो हमें कंट्रोल पैनल में जाने का रास्ता यहाँ से मिलेगा। ये डिफरेंट कंट्रोल पैनल के अंदर अगर हम देखें तो ये कंट्रोल पैनल का नेविगेशन विंडो आ गया। इसके अंदर सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, नेटवर्क एंड इंटरनेट है, हार्डवेयर एंड साउंड है और प्रोग्राम्स हैं, यूज़र अकाउंट्स हैं और क्लॉक एंड रीजन और ईज ऑफ एक्सेस, ये मेन चीज़ें इसके अंदर हैं। यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर जाके एक बार देखते हैं तो सिस्टम सिक्योरिटी के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस विंडो, डिफेंडर फॉल फायरवॉल वगैरह हम सेट कर सकते हैं और पावर ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं और रैम वगैरह जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, रिमोट अगर हम लॉगिन करा सकते हैं तो ये सिस्टम से रिलेटेड, या फाइल्स की हिस्ट्री वगैरह, बैकअप एंड स्टोर के ऑप्शंस हैं, स्टोरेज के बारे में, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम यूज़र अकाउंट्स में देखते हैं। अगर हमें यूज़र अकाउंट्स नया बनाना है या हमें पिछला चेंज करना है, ये हमने पहले भी देखा था, हम सेटिंग से भी वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, ये फिर मैनेज योर अकाउंट, और ये हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा हम नेटवर्क एंड इंटरनेट के जो ऑप्शंस हैं हमारे, वहाँ पे जा सकते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हमारा एग्जैक्टली कैसे होगा। तो ये ओल्ड वर्जन की तरह हमें यहाँ पे एक्सेस देता है। अगर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हम सब यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, हार्डवेयर सेटअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, और हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सेटअप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो ऐड रिमूव प्रोग्राम यहाँ पे कर सकते हैं हम जाके। इसके अलावा ये जो हमारा डेस्कटॉप है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हम सेटिंग्स में जाके और इसकी डिफरेंट जो कलर्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। और हम एक बार यहाँ पे इसके पार्ट्स देखते हैं। डेस्कटॉप के अलावा जो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक बटन होता है, इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। पहले जितने भी पुराने विंडो के वर्जन थे, विंडो 7, विंडो 8 तक, यहाँ पे स्टार्ट बटन उनके अंदर आता था, बाद में ये एक विंडो बटन से चेंज कर दिया गया। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमें ये एक पॉपअप मेनू यहाँ पे देता है, जिसके अंदर मेनली पावर बटन एक ऑन ऑफ करने के लिए है, या फिर सेटिंग्स में जाने के लिए सेटिंग्स का बटन है, या फिर
डिफरेंट पिक्चर्स देखने के लिए एक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए फाइल एक्सप्लोरर भी है। इसके अलावा डायरेक्टली अगर हम अपने यूजर सेटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। मोस्टली यूज जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं वो सारे इसी लिस्ट के अंदर हमें यहाँ पे मिलेंगे, और हम एरो के थ्रू ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे जो हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलेंगे जो SSDs के रूप में हमें मिलता है। यहाँ पे जो विंडो स्टार्ट बटन से नेक्स्ट एक सर्च विंडो है जिसके अंदर हम सर्च कर सकते हैं किसी भी आइटम को विद इन द कंप्यूटर और ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ आल्सो। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। जैसे अगर नोटपैड हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे नोटपैड और हमें नोटपैड मिल सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सेस हम यहाँ से कर सकते हैं। एक न्यू फीचर के बारे में हमने बात की थी कोर्टाना, जो कि जिससे कि हम बातें कर सकते हैं, और इस कोर्टाना को एक्सेस करने के लिए हम वॉइस रिकग्निशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें हेलो कोर्टाना, एंड कोर्टाना विल रेस्पॉन्ड, ये यहाँ से रेस्पॉन्ड करेगा, या इसके ऊपर हम क्लिक करके भी हेलो कोर्टाना प्ले ए सॉन्ग फॉर मी, तो यहाँ से कोर्टाना देखो एक्टिव हो रहा और कुछ ये एक्सेस कुछ भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो एक वॉइस रिकग्निशन करके एक हमें असिस्टेंट दिया गया है जिससे वॉइस के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एक नया फीचर यहाँ पे आया है जिसको कि टास्क व्यू बोला जाता है। टास्क व्यू में हमें यहाँ पे हम वर्चुअल डेस्कटॉप कुछ बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो डेस्कटॉप ऑलरेडी बने हुए हैं, तो डिफरेंट डेस्कटॉप बनाने के बाद इसका बेनिफिट ये है कि हम डिफरेंट जो हम एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं उनके बीच में स्विचिंग कर सकते हैं। ऑल्ट टैब एक फीचर है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर हम वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना चाहें तो वो हम बना सकते हैं। ये टास्क बार कहलाती है पूरी, जो हम बार नीचे की तरफ देख रहे हैं टास्क बार है, और इसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को पिन कर सकते हैं। जिस प्रोग्राम को भी हम पिन करना चाहें वो हम स्टार्ट विंडो में चले जाएंगे, और वहां से अगर हम इसको पिन करना चाहें तो हम यहां से इसको उठा के और टास्क बार के ऊपर पिन कर सकते हैं। इसको पिनिंग बोलते हैं, जिससे कि हम इजीली वन क्लिक के ऊपर जैसे आ रहा है यहाँ पे पिन टू स्टार्ट, तो यहाँ पे ये स्टार्ट टास्क बार के ऊपर पिन हो जाएगी और इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ खास ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेन नोटिफिकेशंस का यहाँ पे आता है। जितने भी नोटिफिकेशंस अगर हमने ऑन किए हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। टाइम सिस्टम टाइम और डेट यहाँ पे दिखाता रहेगा। इसके अलावा कुछ खास ऑप्शंस यहाँ पे हम ऑन कर सकते हैं राइट क्लिक करके टास्क बार के ऊपर। यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो डिफरेंट इसकी टास्क बार की सेटिंग्स में हम जा सकते हैं, और जैसे कि हम अपनी बैटरी को यहाँ से देख सकते हैं, या हम जो हमारा एंटीवायरस है वो देख सकते हैं, या फिर हम अपनी जो सेटिंग्स हैं वाईफाई की वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम एक्सेस को, अपने इंटरनेट के एक्सेस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब हम थोड़ा नेविगेशन देखते हैं कि कैसे हम नेविगेट करेंगे सिस्टम के अंदर, कैसे हम डिफरेंट फाइल्स फोल्डर के ऊपर जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि हमने यहाँ पे आइकॉन बनाई लिए, तो इन आइकॉन्स के थ्रू हम नेविगेशन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका, एक फाइल एक्सप्लोरर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू अगर इसको हम खोलते हैं तो ये हमें मेन नेविगेशन के लिए बनाया गया है। ये बाद में ही शुरू के वर्जन्स में ये अवेलेबल नहीं था, ये बाद में विंडो का अपडेट वर्जन में आया। इसके अंदर मेनली एक नेविगेशन
पेन यहाँ पे है और ऊपर की तरफ एक यहाँ पे रिबन हम देख सकते हैं, एक रिबन है और इसके अंदर कुछ मेनू है जैसे फाइल है, फाइल से रिलेटेड है और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मेनू इसके अंदर अवेलेबल है, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज है, ओपन है, रीनेम है, एक्सेस है और ये सब फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं और मैप वगैरह को, ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर हम देखें अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो कंप्यूटर है उसके जितने भी ड्राइव हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 ड्राइव बनाए हुए हैं तो सी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव इस तरह से दिखाई देंगे, या फिर पेन ड्राइव हमारा कोई है या फिर हमने डीवीडी ड्राइवर वगैरह लगाया हुआ तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा फोल्डर्स के कुछ जो हमारे सिस्टम फोल्डर्स हैं, बने बनाए फोल्डर्स हमारे पास में कुछ सिस्टम देगा, जैसे 3D ऑब्जेक्ट्स का है, डाउनलोड्स का है, वीडियोस का है, डेस्कटॉप है और म्यूजिक वगैरह, ये सब यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इनके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा एक क्विक एक्सेस हमें यहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेन है यहाँ पे कि हम क्विकली इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, जैसे हमें डेस्कटॉप पे जाना है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो हमें डेस्कटॉप का जो एरिया है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब दिखाई देंगी। एक ही फिलहाल वहाँ पे एक ही फोल्डर है जो इसका नाम डेस्कटॉप है। अगर हम पूरे पीसी को अपने एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इस तरह से अपने पीसी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ड्राइव है, जैसे सी ड्राइव के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो हम सी ड्राइव के अंदर जा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम सेटअप जो है यहाँ पे दिखा रहा है क्या क्या फाइल्स वहाँ पे, फोल्डर्स वहाँ पे बने, फाइल्स और फोल्डर्स क्या क्या वहाँ पे बने हुए हैं। तो अभी हम इस चीज़ को देखेंगे फोल्डर और फाइल में क्या डिफरेंस होता है, क्या फोल्डर होता है और क्या फाइल होता है। ऐसे ही हम दूसरे जो हमारे ड्राइव हैं, ई ड्राइव या एफ ड्राइव के अंदर यहाँ से जा सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर एक बार हम जाते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर एक हम फोल्डर बनाने की कोशिश करेंगे। फोल्डर जो है एक तरीके से कंटेनर होता है जिसके अंदर की हम कुछ फोल्डर्स एंड फाइल्स का कलेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली फाइल की अगर हम बात करें तो फाइल एक तरीके से एक डेटा का कलेक्शन है। डिफरेंट तरह का डेटा कलेक्ट करके अगर हम एक ही वर्क के लिए वहाँ पे रख रहे हैं तो उसको हम फाइल बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर तरह की फाइल होती है। यहाँ पे अगर हम एक फोल्डर बनाना चाहें तो हम राइट क्लिक करके उस फोल्डर को बना सकते हैं। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे देखो फोल्डर बन गया और अपना कोई भी नाम हम यहाँ पे उसके अंदर डाल के उसको सेव कर सकते हैं। ये हमने डेस्कटॉप के ऊपर बनाया तो देखो हम डेस्कटॉप के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या वहाँ पे ये फोल्डर बन गया। ये फोल्डर हमने बनाया था GITI के नाम से और ये फोल्डर यहाँ पे बन गया। इसके अंदर अगर हम जाएं तो अब ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर हम रहना चाहें तो हम कुछ फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यू में जाके और वर्ड की फाइल है या और किसी तरह की फाइल है वहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो उसको कुछ हम नाम भी दे सकते हैं। इस तरह से कुछ नाम दे सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, तो इस तरह से एक फाइल हमारी बन जाएगी। एक तरीके से वर्ड की फाइल है और इसके अंदर कुछ हम कुछ अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो उसको लिख के और लिखने के बाद हम उसको सेव भी कर सकते हैं, तो उसी लोकेशन पे ये हमारी सेव हो जाएगी। इस तरह से सेव होगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसमें बाय डिफॉल्ट एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है। अगर हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मिल जाएगा, जिससे कि हम ये एक तरीके से हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे काम आएगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी
ये खोल देता है तो उनको खोलने के काम भी ये आ सकता है। अगर हमें चेंज करना है, हमें कोई दूसरा ब्राउजर यूज़ करना है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें जैसे गूगल क्रोम वगैरह यूज़ करना है तो हम उसको डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसको एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारा। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह से कुछ शॉर्टकट भी हैं विंडोज़ को नेविगेट करने के लिए, कुछ शॉर्टकट हैं जिनका कि हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं कि कैसे हम अपने नेटवर्क को एक्सेस करेंगे। तो डिफरेंट तरह के नेटवर्क जो हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस तरह से ये विंडो 10 हम यूज़ करें और इसको थोड़ा हम प्रैक्टिस करें।